पर ये है कि हासिलपुर शहर में मियां और बीवी ने मिलके पहले दोनों बच्चियों को जहर दिया, उनको मारा, फिर खुद भी जहर पिया। किराए के मकान में रहते थे। काम ना मिलने की वजह से पिछले 3 माह से मकान का किराया नहीं दिया। बच्चों ने दूध लाने की जिद की, बच्चों को मारने के बाद अपने आप को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? क्या उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है? क्या उनकी मौत के जिम्मेदार ये रियासत है? क्या उनकी मौत की जिम्मेदार ये हुकूमत है कि जो कारोबार के मौके फराहम ना कर सकी, जो नौकरियों के लिए मंजरनामा वजह ना कर सकी, जो 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब के लिए इकदाम ना उठा सकी, कि उसके बच्चों ने भूख के लिए सताया, तो भूख उस शख्स के दिमाग पे सवार हुई और उसने बच्चों का खात्मा और अपना खात्मा ही इस सारे मंजरनामे में एक बुनियादी हल देखा। और वो हल जो कर गुजरा तो वो कितने लोगों के ऊपर सवालिया निशान छोड़ के गया। अब दूसरी तरफ देखें तो बहुत से लोग बयानबाजी ये करते हैं कि हमने मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन कर दिया है, हमने मुल्क को एक ऐसा मंजरनामा वजह कर दिया है कि डिफॉल्ट के दहाने से बचाया है और मौशी पहिए को चलाया है, हमने मुल्क के अंदर बेहतरीन सियासत को फरोग दिया है, हमने मुल्क के अंदर मईशत नामे को बेहतर करने के लिए मिसाक मईशत की तजवीज दी है, मिसाक जमहूरियत की तजवीज दी है, पुरानी रंजिशों को भुलाया है, बगलगीर हुए हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी सियासत का सौदा किया। कौन सी सियासत का सौदा आपने कर दिया? सारे केसेस आपके खत्म होते रहे, आपकी वापसी बसर इक्तदार आने के रास्ते सारे हमवार होते रहे, आप दूसरों को दबाते रहे और अपनी सियासत चमकाते रहे। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो आजमाया हुआ इंजन है जो मुल्क को ट्रैक पे डाल देगा। मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। आपका कहना बनता है भाई, अपने खानदान के तमाम मुकदमात बरी हो चुके हैं, मुल्क को ट्रैक पे आपने डाल दिया, डॉलर पौने 200 से 280 तक ले जा चुके हैं क्योंकि मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, महंगाई 12% से 35% पे ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, पेट्रोल 150 से 260 पे ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, एयरपोर्ट और सड़कें गिरवी रखवा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, शराय तरक्की 6% से 0.4% पे लाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, मीडिया में जबाबंदी करवा के अपने मुखालिफिन को दबा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, तामीरात की सनत का भट्टा बिठा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, बिजली के बिलों में टीवी फीस के बाद रेडियो फीस की सिफारिश करके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, बिजली का फी यूनिट 18 रुपए से 50 रुपए तक ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, नौकरियां ना देने का दूसरों को ताना देते देते अपने दौर में बेरोजगारी उरूज पे ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, दूसरों के में मुल्क से बाहर जाने वालों पे सियासत करने और अपने दौर में बाहर जाने वालों को क्रेडिट के तौर पे पेश करने से आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते मांगते अपनी प्लेइंग फील्ड बनाकर आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। अगर यही ट्रैक पे डालना है तो नहीं चाहिए हमें कोई ऐसा इंजन, नहीं जरूरत किसी भी ऐसे ट्रैक की, नहीं तलब ऐसी तरक्की और खुशहाली की। माफ कीजिए, रहम कीजिए, बख्श दीजिए।